नमस्कार साथियों, एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस शुंग वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पिछले कई सालों में एग्जाम में आए हैं। तो चलिए साथियों, 17 टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो साथियों, महाभाष्य जो है, महाभाष्य के रचयिता हमारे पतंजलि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो साथियों, शुंग काल के अंदर बरहुत स्तूप का भी निर्माण हुआ था, सांची स्तूप का भी विस्तार हुआ था, यानी कि देखिए विस्तार हुआ था, भाजा स्तूप का भी विस्तार हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि शुंग वंश के अंदर कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध जो है अपना विरोधी समझते थे, लेकिन वास्तव के क्या है कि सांची स्तूप का विस्तार शुंग वंश के काल में ही हुआ था। तो ये इस बात का खंडन भी करता है कहीं ना कहीं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का क्या था, विरोधी था। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वरदरथ की राजकीय सेवा में किस पद पर आसीन था? तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट वरदरथ की हत्या कर दी थी साथियों, तो वो किस पद पर था, सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनापति। ये ऑब्वियस है कि भाई सेनापति था, तभी तो इसने इसकी हत्या की है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया था? तो ये सिंपल सी बात है कि जैसे ही शुंग वंश का अंत होता है, वैसे ही हमारा जो कण्व वंश है उसका उदय हो जाता है, और कण्व वंश का जो है स्थापना हो जाती है पूरे भारत के अंदर। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, दो अश्वमेघ यज्ञ किसने करवाए थे? शुंग के अंदर, शुंग वंश के अंदर ऐसा कौन सा शासक था? तो हमारा एकमात्र शासक पुष्यमित्र, पुष्यमित्र ऐसा शासक था जिसने दो अश्वमेघ यज्ञ जो है करवाए थे शुंग वंश के अंदर। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? तो महाभाष्य जो है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय व्याकरण है साथियों। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित होता है? साथियों, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण, शक, सातवाहन या शुंग? तो आपका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। शुंग वंश जो है, शुंग वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंग शासकों की राजधानी कहां थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनारस, मथुरा, इलाहाबाद या विदिशा? तो शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें उसके मित्र लिखा हुआ है, इसका यहां पर इसको काटकर अग्निमित्र पढ़िएगा इसको। अग्निमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? तो साथियों, अग्निमित्र जो था, यहां पर लिख देते हैं, थोड़ी सी यहां पर मिसप्रिंटिंग हो चुकी है। चलिए, अग्निमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ऑल्किड्स, मिनांडर, हर्मिक्स, यूक्रेटाइडस, इनमें से आप जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनांडर, मिनांडर को हराया था अग्निमित्र ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर कालिदास की। कालिदास की जो रचना है मालविका अग्निमित्र, उसके अंदर मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो इस प्रकार शुंग शासक अग्निमित्र किस लेखक की कृति का नायक हो गया? कालिदास की, और वो उस कृति का नाम क्या था साथियों, मालविका अग्निमित्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, पाणिनि एवं पतंजलि किस राजवंश के समय फले फूले? शुंग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश अथवा कर्ण वंश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुंग वंश, शुंग वंश के काल में ही पाणिनि और पतंजलि हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये बताइए साथियों कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो थे वो हमारे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविका अग्निमित्रम लिखी है? मालविका अग्निमित्रम लिखी है और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कालिदास, कालिदास है जिन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखी है। चलिए अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन,
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये तो सिंपल आंसर हो जाएगा कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो पतंजलि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव ने किस शुंग सम्राट की हगी थी? वासुदेव कण्व वंश से था और वासुदेव ने किस शुंग सम्राट की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी? तो साथियों आप सभी जानते हैं वो कौन था, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या देवभूति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवभूति, क्योंकि देवभूति शुंग वंश का अंतिम सम्राट था जिसकी हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी? तो ये तो बहुत सिंपल है कि भाई बृहद्रथ की रक्षा करके इसने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि सभी वंश जो छोटे छोटे हैं, जो उत्तर मौर्यकालीन वंश हैं, उनमें संस्थापक जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सब कुछ मिक्स हो जाता है लास्ट के अंदर। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई, लेकिन शुंग वाला तो याद रहता है क्योंकि इस तरह से कि पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं सिमुक, सुशर्मा, पुष्यमित्र, देवभूति। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हम सभी जानते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो साथियों 17 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप 17 में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए और जान लीजिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ऑल द बेस्ट।